हेलो दोस्तों, कैसे हो? मजा में? मैं संजय न्यूट्रेस गार्डनिंग एंड ब्लॉग चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। देखिए, आज मैं आपको 15 ऐसे परमानेंट प्लांट बताऊंगा जो आप गर्मियों में लगा सकते हो, कि गर्मियों में इस सीज़न आप ला सकते हो नर्सरी से वो प्लांट और लगा सकते हो। आपका गार्डन फूलों से भरा रहेगा और तपती धूप में वो प्लांट आपको फ्लावर देंगे। तो मैं आपको ऐसे 15 प्लांट बताऊंगा, तो मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। ये फर्स्ट प्लांट है कनेर का। इसमें भी मतलब 3 कलर्स आते हैं, येलो, ऑरेंज और वाइट। जी हाँ, ये देखिए, ये मैंने प्रूनिंग कर दी है इस टाइम में। अगर आपने प्रूनिंग नहीं की है, आपके वहाँ धूप कम है तो प्रूनिंग कर सकते हो। थोड़ी सी प्रूनिंग कर दीजिए प्लांट की। ये देखिए, कटिंग के बाद इसकी ग्रोथ देखिए कितनी अच्छी है। तो सबसे पहले ये कनेर लगा सकते हो आप, जो ये पीली कनेर भी इसको बोलते हैं। तो फर्स्ट प्लांट हमारा ये आता है कनेर का, जो आप नर्सरी से ला सकते हो और इसकी प्राइस आपको 15 या 20 रुपये में आपको प्लांट मिल जाएगा नर्सरी से। बहुत आसानी से आप इसको ला के लगा सकते हो, तपती धूप में फ्लावर देगा आपको। बहुत हार्डी प्लांट है, एक बार आप लगा दोगे तो चलेगा आपके गार्डन में। ये दूसरा प्लांट हमारा ये है हिबिस्कस का, ये भी आप लगा सकते हो नर्सरी से ला के। इसमें बहुत सारे कलर्स ऑप्शन मिल जाएंगे। हिबिस्कस में तो हाइब्रिड भी आते हैं और देसी वाले भी। तो गर्मियों में देसी वाले लाइएंगे, बहुत मतलब फ्लावर देंगे भर भर के, और बहुत हार्डी प्लांट है। तपती धूप में भी ये बहुत अच्छे से सर्वाइव कर जाएंगे। और हाँ, आपको एक बात बता दूँ, देसी में आपको बहुत कलर ऑप्शन में वाइट आता है, पिंक आता है, फिर रेड आता है, ऐसे बहुत सारे कलर ऑप्शन मिल जाएंगे। और डबल पेटल भी आता है, देखिए मेरे ऑरेंज है, ऑरेंज में भी डबल पेटल है, ये डबल पेटल वाला। और मेरे पास बहुत सारे ऐसे हैं हिबिस्कस प्लांट देसी में, तो आप देसी हिबिस्कस ला के भी लगा सकते हो इस टाइम नर्सरी से। आपको ये प्लांट, ये जो डबल पेटल वाला आता है 15 रुपीज़ में, और जो सिंगल पेटल आता है वो 20 रुपीज़ में आपको ये प्लांट मिल जाएगा नर्सरी से। और ये बहुत फ्लावरिंग करता है, देखिए मेरा पूरा प्लांट कलियों से भरा हुआ है, देख सकते हो आप। तो ये सेकंड हिबिस्कस आप ला सकते हो नर्सरी से और लगा सकते हो, ये आपको 20 रुपीज़ में मिल जाएगा। और बहुत हार्डी प्लांट है, ये परमानेंट प्लांट है, तो ये भी आप ला के लगा सकते हो। चलो तीसरे प्लांट पर चलते हैं हम। ये तीसरा प्लांट हमारा ये है चंपा। चंपा का प्लांट भी आप ला सकते हो इस टाइम पे। चंपा हमारे यहाँ 30 रुपीज़ में मिलता है, जो बड़ा प्लांट हो तो ये लोग 50 रुपीज़ लेते हैं। तो चंपा, और इसमें दो वेराइटी है, चंपा और नाग चंपा। कलर ऑप्शन भी आपको मिल जाएंगे इसमें चंपा में। नाग चंपा में एक ही आता है वाइट वाला, और ये चंपा है, तो इसमें कलर ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। देखिए इस टाइम इसमें भी फ्लावर बहुत अच्छे से आते हैं, और ये बहुत हार्डी प्लांट है, तपती धूप में आप भी चल जाएगा। देखिए, देख सकते हो आप, ये मेरा चंपा का प्लांट है, तो चंपा भी आप ला सकते हो इस टाइम पे। और यहाँ पे एक नाग चंपा है जो मैंने प्रूनिंग कर दी है, तो देखिए ये देख सकते हो आप, यहाँ पे इसकी ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। और यहाँ पे एक और रेड चंपा है, रेड फ्लावर आते हैं वो, देखिए ये चंपा का प्लांट भी आप ला सकते हो और लगा सकते हो। ये देखिए, ये भी है नाग चंपा। तो आप नाग चंपा और चंपा दोनों प्लांट मतलब ला के इस टाइम लगा सकते हो नर्सरी से, बहुत अच्छे से चल जाएंगे और अच्छी फ्लावरिंग करते हैं। ये कटिंग के बाद इसकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी हो जा रही है। तो चलिए हम हमारे नंबर 4 पर चलते हैं। नंबर 4 पर आता है, ये देखिए नंबर 4 पर आता है एक्सोरा। ये एक्सोरा का प्लांट, ये भी आप नर्सरी से ला के लगा सकते हो। ये भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है और हार्डी प्लांट है। ये 20 से आपको 50 रुपीज़ तक मिल जाएगा, हमारे यहाँ 20 रुपीज़ में मिलता है, 20 रुपये में ये प्लांट मिल जाता है। ये भी बहुत हार्डी प्लांट है, तो ये आके आप लगाइए बहुत अच्छे से। इसमें कलर ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, पिंक, वाइट, रेड। तो ये भी बहुत खूबसूरत फ्लावर देता है, कितनी सारी बर्ड्स बनी हुई है। अब ये खिल के ख़त्म हो गई है, तो ये प्लांट भी आप ला सकते हो। और नंबर 5 पर आता है हमारा ये टिकोमा प्लांट। ये देखिए, मैंने कटिंग से ग्रो किया है और इसकी फ्लावरिंग देखिए, छोटा सा प्लांट है,
प्लास्टिक के प्लांटर में लगाया हुआ है और इसमें बहुत खूबसूरत फ्लावर आते हैं। ये देखिए, ये भी आपको 20 रुपीज़ में मिल जाएगा। इसमें भी दो तीन कलर ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। तो देखिए, ये प्लांट भी आप ला सकते हो नर्सरी से और लगा सकते हो। बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है ये। बस इसके फ्लावर ख़त्म हो जाए तो यहाँ से कट कर दीजिए और नई नई ब्रांचेस निकल आएगी, देख सकते हो आप। तो ये टिकोमा प्लांट भी आप ला सकते हो, आपको 20 रुपीज़ में मिल जाएगा नर्सरी से, 20-30 रुपीज़ में। जैसी नर्सरी वैसी प्राइस रहती है। तो ये प्लांट भी आप ला के इस टाइम लगा सकते हो। ये नंबर 6 पर आता है हमारे, ये मोगरा। मोगरा तो बहुत लोग बहुत सबको पसंद रहता है। तो मोगरा प्लांट भी आप ला सकते हो नर्सरी से, 20-30 रुपीज़ में मिल जाता है। ये 30 रुपीज़ में लाया था मैं। और ये वाला है, ये बेला जिसको बोलते हैं, लंबा लंबा हो जाता है। ये 20 रुपीज़ में मैं लेके आया था। तो ये प्लांट, मोगरा का प्लांट आप ला सकते हो। ये देखिए, मेरे मोगरा प्लांट पूरा कलियों से और फूलों से भरा हुआ है। तो इसका वीडियो भी मैंने डाला हुआ है थोड़े दिन पहले ही, मोगरा का, कि मोगरे में कौन सा फर्टिलाइज़र देना चाहिए कि फ्लावरिंग के लिए। तो ये वीडियो भी मैंने डाला हुआ है, तो आप देख सकते हो। मैं इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो देखिए, ये फर्टिलाइज़र के बाद देने के बाद इसकी ग्रोथ और फ्लावरिंग देखिए आप। तो ये प्लांट भी आप ऐड कर सकते हो इस टाइम। बहुत हार्डी प्लांट है, तपती धूप में भी ये चल जाता है। और बहुत ज़्यादा मतलब गर्मी हो जाए 40-45, तब थोड़ा सा शेड में इसको रख दीजिएगा। ये देखिए, इसमें भी बहुत सारे खूब फ्लावर आते हैं इसमें, और पूरा प्लांट आपका फूलों से भरा रहता है। तो ये प्लांट को आप अपने गार्डन में ऐड कर दीजिए। और नंबर 7 पर आता है ये हमारा अपराजिता। अपराजिता एक वाइन आती है, तो इसको भी आप लगा सकते हो नर्सरी से लाके। इसमें डबल पेटर और सिंगल पेटर दो कलर ऑप्शन आते हैं, वाइट आता है और ये ब्लू वाला। ये देखिए, मैंने बारिश में लगाई थी, तो इस टाइम फिर से इसकी ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। यह प्लांट को आप ऐसे रहने दीजिए गमले में, फिर से नए स्टार्ट हो जाती है ग्रोथ। बारिश में भी फ्लावरिंग करता है, इस टाइम गर्मी में भी बहुत भर भर के फ्लावर देता है। तो ये प्लांट भी आप ला सकते हो, बहुत खूबसूरत फ्लावर आते हैं इसमें, ये देख सकते हो। तो अपराजिता का प्लांट भी आप ला के लगा दीजिए, बहुत अच्छी फ्लावरिंग करेगा। और नंबर 8 पर आता है हमारा अलमंडा। अलमंडा की वाइन है ये मेरे पास, तो अलमंडा की वाइन भी आती है और इसका पौधा भी आता है, मतलब वो वाला भी लगा सकते हो आप। देखिए, बहुत खूबसूरत फ्लावर करता है और गर्मियों में बहुत भर भर के फ्लावर देता है। गर्मियों इसकी सीज़न है सो फ्लावरिंग की। तो बहुत खूबसूरत इसकी पत्तियाँ देखिए आप, कितनी शाइनिंग रहती है। तो इसकी पत्तियाँ भी बहुत खूबसूरत रहती है। तो ये भी आप लगा सकते हो, लाके अपने गार्डन में ऐड कर दीजिए, बहुत खूबसूरत फ्लावर देंगे। और इस टाइम इसकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी होती है। देखिए, ठंडियों में पूरा प्लांट आपका मर जाता है, मतलब पूरा मतलब सूख जाता है, वैसा हो जाता है। और अभी जैसे गर्मी स्टार्ट हो जाती है, इसमें नई नई ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। तो ये अलमंडा वाइन भी आप लगा सकते हो लाके। और ये हमारा नंबर 8 पर आता है अलमंडा वाइन। मेरे पास 2 है, चलो दिखाता हूँ। ये रही दूसरी, तो इसकी भी ग्रोथ देखिए आप कितनी अच्छे से हुई है। इसमें भी सब कलियाँ आ रही है अब। नंबर 9 पर आता है हमारा मॉस रोज, इसे पोर्चुला का बोलते हैं, पोर्चुलेन भी बोलते हैं। तो इसको भी आप लाके लगाइए नर्सरी में। इसकी 10 रुपीज़ में, 5 रुपये में, 10 रुपये में इसकी मिल जाएगा प्लांट आपको। एक छोटी सी कटिंग कहीं से मिलती है तो भी लाके लगा दीजिए, तो भी बहुत ढेरों प्लांट हो जाएंगे आपके पास। देखिए, बहुत खूबसूरत फ्लावर आते हैं। ये मॉस रोज है पोर्चुला का, ये पोर्चुलेन भी आप, और ये पोर्चुलेन है, इसकी भी कटिंग कैसे लगाते हैं ये भी मैंने आपको दिखाया है, वीडियो डाला है, तो आप देख सकते हो इसका भी वीडियो। ये भी बहुत गर्मियों में भर भर के फ्लावर देते हैं, पूरा प्लांट फूलों से भरा रहता है। और नंबर 9 पर आती है ये वाली कनेर, जिसको रेड कनेर। देखिए, ये प्लांट भी आके आप लगा दीजिए हमारे यहाँ नर्सरी में, मतलब 10-20 रुपये में मिल जाता है ये प्लांट। तो ये भी आप लगा दीजिए, ये भी बहुत हार्डी प्लांट है। ये भी गर्मियों में बहुत भर भर के फ्लावर देता है। कलर ऑप्शन भी बहुत मिल जाएंगे, सब सिंगल पेटल और डबल पेटल भी आता है इसमें। ये देखिए, ये वाइट वाला है, एक वाइट वाले में भी देखिए कितने सारे फ्लावर आए हुए हैं। और यहाँ पे ये डबल पेटल है, देखिए आप। तो ये भी इस टाइम आप लगाइए, बहुत पर फ्लावर आएंगे इसमें, और बहुत हार्डी प्लांट है। और नंबर 10 पर आती है विनका। ये देखिए,
विन का भी आप लगा सकते हो। इस टाइम बहुत गर्मियों में ये भी फ्लावरिंग बहुत अच्छे से करता है। ये देखिए, एक वाइट है और ये के पिंक है, ये वाइट है और ये पिंक है। तो इसमें भी देखिए छोटे से प्लांट में फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। और इसमें हाइब्रिड भी आती है बहुत सारे, मतलब हाइब्रिड में बहुत कलर ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। तो ये 10-10 रुपीज़ में मिलती है नर्सरी में, तो आप 10-10 रुपये में तो ये भी आप ला के लगा सकते हो। तो नंबर 10 पर हमारे विन का प्लांट आता है, तो ये भी बहुत खूबसूरत फ्लावर करते हैं, तो इसको भी आप लगा दीजिए। और नंबर 11 पर आता है जेट्रोफा प्लांट, ये देखिए, ये भी आप ला के लगा दीजिए। ये भी 20 रुपये में आपको नर्सरी से मिल जाएगा। इसके भी बहुत खूबसूरत फ्लावर आते हैं और गर्मियों में बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करता है, तो ये भी आप आके लगा के लगा दीजिए। और नंबर 12 पर आता है चांदनी का प्लांट, चांदनी में भी बहुत खूबसूरत वाइट कलर के फ्लावर आते हैं, तो ये भी आप लगा दीजिए नर्सरी से। 20 रुपये में आपको मिल जाएगा ये प्लांट, तो चांदनी का प्लांट भी लगा सकते हो। नंबर 14 पर आता है बोगनवेलिया, बोगनवेलिया भी आप इस टाइम लगा सकते हो। बोगनवेलिया में भी बहुत सारे कलर ऑप्शन मिल जाएंगे आपको, और बहुत हार्डी प्लांट रहता है, तपती धूप में बहुत आसानी से सर्वाइव कर जाएगा। और ये एक परमानेंट प्लांट है, इसके फ्लावर बहुत खूबसूरत रहते हैं। नंबर 15 पर आता है मैरीगोल्ड, मैरीगोल्ड भी इस टाइम आप लाके लगा सकते हो नर्सरी से। 10-20 रुपये में प्लांट आपको मिल जाएंगे। इसमें एक देसी वाले भी आते हैं और जाफरी वैरायटी भी मिल जाती है इस टाइम आपको। मैरीगोल्ड के फ्लावर भी आप सूख जाए तो गमले में डाल दिए, बाद में निकल जाएंगे नए। और नंबर 16 पर आता है सूर्यमुखी का प्लांट, जिसे सनफ्लावर भी बोलते हैं इस टाइम, इसे भी आप लाके लगा सकते हो। ये सीजन, ये मतलब आप इसके सीड से ग्रो कर सकते हो, पूरे साल भर रहेगा सीड से। और ये देखो मैंने सीड ग्रो किए हैं, तो इसके फ्लावर भी बहुत खूबसूरत होते हैं। और दो मिनिएचर वैरायटी में भी आता है और बड़े बिग साइज़ वाला भी आता है, हाइब्रिड वाला। तो इस टाइम आप ला के लगा दीजिए सारे पौधों को, आपका गार्डन फूलों से भर जाएगा। तो आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा।